हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह का समय हो रहा है, इधर खेत में सब लोग घास, चिड़िया चहक रही हैं खेतों में चू चू करके। और अभी हमें चल रहे हैं चाय पानी, और उसके बाद में समोसा बनाने में लग गई। तो मैंने चोखा ओखा भून लिया है और ये मैदा मैंने गूंद रखा है। इसको लंबा लंबा पट्टी बेल लेंगे, उसके बाद बीच में से काट करके इस तरीके से हम पानी लगा के इसे फोल्ड करके इसमें अपना चोखा जो रहता है उसे भर देंगे। जो भी स्टफिंग आप लोग बनाना चाहे, पनीर का, आलू का, जो भी हो, इस तरीके से भर के फिर इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा करके फिर इसे इस तरह बंद कर देंगे। और बंद कर रख के मैंने सारे समोसे इस तरह बना लिए हैं। और फिर उसके बाद तलने के लिए रख दिया कढ़ाई मैंने। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में समोसे डाल दिए हैं, तल रहे हैं और थोड़े थोड़े तलते रहते हैं, इसलिए कम आँच पे इसे तलना होता है। तो तलते रहो और गरम गरम खाते रहो तो ही ठीक लगता है। तो जो लोग खाने वाले हैं वो अब आते हैं, अपना पारी पारा ले जाते हैं खाने के लिए। कोई चटनीस खाता है, कोई रोटीस खाता है। वैसे मेरे घर में ज़्यादातर लोग रोटी से ही खाते हैं समोसे को, क्योंकि पेट भर वाला नाश्ता चाहिए। तो यहाँ मैंने धनिया की चटनी पीस रखा है, तो यहाँ समोसा और चटनी परोस के दे रही हूँ एक लोग को। फिर उसके बाद एक लोगों को रोटी और समोसा देती हूँ खाने के लिए। तो मैं अपना रोटी भी इसी वक्त ही बना लेती हूँ समोसे के साथ ही। और यहाँ पे थोड़े से मैदे बच गए थे 2 लोइयों के, तो इसके मैं नमकीन बना लूँगी, जिसे हम नमक पारा बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं कटिंग करके उसको बना लूँगी, शाम को चाय पे देने के काम आ जाएगा। अगर नहीं देने का काम आएगा दूसरे दिन काम आ जाएगा। तो इस तरह मैंने इसको फैला लिया, उस पर थोड़ा सा आटा छिड़क दिया बारीक बारीक काट के, इसको भी तल लेंगी कम आँच पर। और बहुत ही अच्छा लगता है ये नमकीन ऐसे बना दो तो। तो इस तरीके से मैंने इसको तल के छान लिया है। इसी तरह 2 लोइयाँ हैं, दोनों को बना लूँगी मैं अच्छे से और तल के भी निकाल लूँगी और रख देंगे, 2 दिन भी चलेगा, कोई बात नहीं। कोई और बस सब कुछ हो चुका है तो मैं अब किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद दाल चावल बनाऊँगी। तो पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आटा वाटा गिरा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने कलौजी बनाना है आलू और चिचिंडे का। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन मिर्च और खटाई धनिया सबको तैयार कर लिया है, इसे पीस करके और आलू और चिचिंडे के अंदर भर देंगे थोड़ा सा खटाई डाल के। ये हमारा कलौजी बन जाएगा, दाल चावल कलौजी बन जाएगा दोपहर के लिए। तो सारे के सारे मैंने इसी तरह भर दिए हैं, चिचिंडी में भी आलू में भी, देखिए इस तरीके से भर देंगे। ये सादा भी बनता है, मसालेदार भी बनता है, तो हम लोगों के यहाँ सादा ही अक्सर बनता है बस, तो इसलिए मैं सादा ही बना रही हूँ। तो ये सब भर दिया है और जिस कढ़ाई में मैंने समोसा छाना था उसी कढ़ाई में मैंने ये कलौजी छौंक दिया है। इस लोहे की कढ़ाई में अच्छे से कलौजी बन जाता है बिना चिपके हुए। और ये देखिए कलौजी बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज खाना पीना बना चुकी हूँ और आज बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने धुलाई किए हैं। ये देखिए पूरे चादर उदर धो रखे हैं और भी बहुत सारे कपड़े धो रखे हैं। और बस सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं यहाँ पे सारे कवर डाल रही हूँ तकिए खोली के और सारे कपड़े तय कर दूँगी। और तो सारे कपड़े मैं तय कर दूँगी, सारे तकिए के खोली वोली सब डाल दूँगी। और उसके बाद मैं रजाई में खोली डाल दूँगी, और मुझसे अकेले डलता नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी रजाई है। तो अपने बेटे से कहती हूँ तो वही मेरी थोड़ी मदद करता है। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और बस शाम हो चुका है, तो शाम के लिए मैं चाय बना रही हूँ और ये थोड़ा जो जोनरी का घूरी बना रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले लहसुन मिर्ची का तड़का देकर घुघरी डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा मिर्च और थोड़ा सा मसाला डाल करके इसे थोड़ा सा पानी डाल के उबाल दिया है। और जब बन जाता है तो इसे प्लेटों में परोस देती हूँ। और यहाँ पे बारिश हो रहा है तो मैं टब लगा रखा है पानी भरने के लिए, पानी थोड़ा छाया हो रहा लेकिन बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ से बारिश पड़ने लग गया है और शाम हो चुका है। इसे कोल गट्टा कहा जाता है, इसको मैं इस तरीके से छील के इसमें रख रही हूँ, इसका सब्जी बनेगा।
और यहाँ पे मेरे कोलगट्टा है उसकी सब्ज़ी बनाना, तो इसको मैं छील रही हूँ। बहुत समय लग जाता है इसे छीलने में, थोड़ा हम भी मदद करा देती हैं। और उसके बाद मैं मसाला वसाला सबको तैयार कर देती हूँ, तो वही कहते हैं बनाने के लिए, तो वही बनाती हैं सब्ज़ी। तो सबसे पहले उन्होंने प्याज भूजा है कढ़ाई में, तेज़पात डाल के, उसके बाद मसाला भून दिया है और कोलगट्टे को इसी तरह डाल करके उसे पका दिया है। कोलगट्टे को भूनना था लेकिन वो भूनी नहीं है, और सब्ज़ी यहाँ पक रहा था तभी वो छोड़ के चली गई हैं। तो मैं आटा गूंद ले रही हूँ, उसके बाद मैं रोटी भी बना लूँगी। तो आज मेरे घर कोलगट्टा की सब्ज़ी बन रही है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा बनती थी जब हमारे बाबूजी थे, तभी बाबूजी नहीं है, तो आज बहुत दिनों बाद ये कोलगट्टा की सब्ज़ी आई हुई है, तो वही बन रहा है। जब तक अभी रोटी नहीं बनेगा, सब्ज़ी बन चुका है, तब तक मैं अपना बिस्तरा यहाँ पे आई हूँ लगाने के लिए, तो यहाँ अपना बिस्तरा लगा लेती हूँ। बच्चे अपने दादी के साथ सोते हैं हॉल में। तो ये कोलगट्टा की सब्जी, ये है पराठा। सब लोगों ने खाना खा लिया है, सब लोग अपने अपने बिस्तर पे पहुँच चुके हैं, तो मेरे भी किचन का सारा काम निपटा लिया है, पूरा किचन क्लीन कर लिया है और अपने लिए खाना निकाल चुकी हूँ। अब मेरे भी खाने के लिए बस अब खा के सोना है। तो गुड नाइट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।